सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। अफगानिस्तान के काबुल ब्लास्ट के बाद पहली बार TV9 भारतवर्ष पर तालिबान की प्रतिक्रिया सामने आई। TV9 भारतवर्ष के इस इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। हम आपको ये इंटरव्यू पूरा दिखाने जा रहे हैं, जिसमें तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनने को मिलेगा। बड़ी बातें जो उन्होंने कही हैं वो ये कि ISIS के को लेकर बड़ी जानकारी उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर बयान दिया है जिसमें पाकिस्तान को झटका लग सकता है। सुहेल शाहीन ने तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियारों पर, तालिबान की पॉलिसी पर भी सफाई दी है। तो जहां एक तरफ कश्मीर को लेकर बड़ी बात कही है जिससे पाकिस्तान को झटका लग सकता है, तो वहीं सुहेल शाहीन ने इस इंटरव्यू पर ISIS खुरासान पर सुहेल शाहीन का विस्फोटक बयान सामने आया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कश्मीर पर तालिबान की पॉलिसी पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है जो पाकिस्तान के लिए शॉकिंग हो सकता है। अमेरिकी ड्रोन के इस्तेमाल पर भी तालिबान ने अपनी पॉलिसी के बारे में बात की है। काबुल ब्लास्ट के बाद तालिबान का यह पहला इंटरव्यू है। देखिए, मेरे सहयोगी दिनेश गौतम के साथ तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन एक बार फिर TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये दूसरा मौका है जब सुहेल शाहीन TV9 भारतवर्ष से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। काबुल में अब तालिबान का झंडा फहरा रहा है। काबुल एयरपोर्ट से निकलते वक्त लोगों को बम विस्फोट का सामना भी करना पड़ा है। वहां हालात अजीब हो गए हैं। ISIS के एक नया थ्रेट सामने दिखाई दे रहा है। बहुत सारे डायनेमिक्स अब बदले हुए हैं। सुहेल शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल शाहीन, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने एक बार फिर से वक्त निकाला TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। मौजूदा हालात को कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, हालात बेहतर हो रही है। हर दिन के गुजरने के बाद वो सिक्योरिटी मेंटेन है बिल्कुल काबुल सिटी में। जो पहले दिनों में वो सही नहीं था, जो इनिशियल डेज थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है और इसी भी बेहतर हो रही है हर दिन गुजरने के बाद। काबुल एयरपोर्ट में एक दर्दनाक और अलमनाक वाकया हुआ, जो आपको भी मालूम है। हमारे बहुत से ज़्यादा हम वतन उसमें शहीद हो चुके, लेकिन वो उस एरिया में हुआ जो उसकी सिक्योरिटी फॉरेन फोर्सेस के पास था। तो वो जो हमारी जो चेक पॉइंट है उस जगह में नहीं था, दूसरी उनके जगह में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुहेल शाहीन साहब, लेकिन दुनिया को यह मालूम है कि बाहर एयरपोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी आपके हवाले थी और एयरपोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी अमेरिकन फोर्सेस के हवाले थी, इसको क्लियर करें प्लीज। ये सही है कि उधर जो नॉर्थ साउथ वो गेट थे वो हमारे पास है, लेकिन वो अभी गेट जो है जिधर वो एक्सप्लोजन हुआ वो उसके पास है, लेकिन उसके साथ साथ मेन गेट के साथ उनके उन्होंने एक सेकेंडरी राउट्स भी खोले थे जो उसकी सिक्योरिटी हमारे पास नहीं था, तो वो यूज करते थे जो लोग उसके पास असनाद नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसको ले जाते थे एयरपोर्ट। और तो हमारे ख्याल में इसी राउट से फायदा उठा के ISIS मेंबर्स उन्होंने कोशिश की होगी। और दूसरा ये है कि हमने पहले भी कहा है कि आपने कहा लोगों के लिए कि आप आ जाए एयरपोर्ट और चला जाए वेस्टर्न कंट्रीज में रिसिटर्न करने के लिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो। तो उन्होंने एक रिस्क क्रिएट किया ताकि वो ISIS मेंबर्स ये क्राउड से इस्तेफादा करके उसमें दाखिल हो जाए, वो ऐसे अलमनाक वाकयात रोनमा हो जाए। तो मेरे ख्याल में इसकी जिम्मेवारी बन पर भी उन लोगों पर होगी जो उन्होंने लोगों के लिए अनाउंस किया था। और
ये महत्व इसलिए भी कर रहा था ताकि उसको मीडिया को रॉ मटेरियल मिल जाए हमारे खिलाफ वो प्रोपागंडा करने के लिए कि देखो लोग स्केयर्ड है, टेरिफाइड है। तो मुतासिबाना इसके नतीजे में बहुत अलमनाक वाकया हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सुहेल शाहीन, हम लोगों का एक बहुत कंसर्न हिंदुस्तान में यह है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी वहां एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, क्या आप अश्योर कर सकते हैं उनकी सलामती के साथ वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे या अगर अफगानिस्तान में है तो सलामत रहेंगे? जो भी वो उनके पास पासपोर्ट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वीजा हो, तो हमने ऐलान किया है कई बार कि वो कमर्शियल फ्लाइट से जा सकते हैं, अफगानिस्तान में भी आ सकते हैं और जा भी सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन हजारों की तादाद में 40-50 हज़ार लोग एयरपोर्ट में उधर इकट्ठे हो जाए, एक कंजेशन बने लोगों के, और उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी ना हो, अनआइडेंटिफाई भी ना हो कि ये कौन है कौन नहीं है, तो इसके एक सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन वहां पे ये मेहम भी वो मेरे ख्याल के लिए अच्छा नहीं है। राइट, लेकिन सुहेल शाहीन, आप ये भी मानेंगे कि जिस तरह की अफरा तफरी वहां मची हुई है, बहुत सारे लोग तो अपनी चीज़ें न जाने उनकी कहाँ छूट गई होंगी, भागा दौड़ी में अफरा तफरी में कहीं रह गई होंगी, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आपकी जेन्युइन कौन है? दूसरे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अमेरिका से आपकी बात चल रही है क्या, खासतौर से 31 की डेडलाइन को लेकर? जी बिल्कुल, उन्होंने हमने उसको कहा है कि उन्होंने वादा किया था कि 31 को विड्रॉ करेंगे कम्प्लीटली, उस पर पाबंदी करें, और इस ये हमने बताया है क्योंकि पहले भी उन्होंने एक बार खिलाफ वर्जी की है, तो ये दूसरी बार है वो खिलाफ वर्जी न करे, अपने विड्रॉ करे कम्प्लीटली। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन रखे, अफगानिस्तान के तामीर नाव में और पॉजिटिव रिलेशन रखे हमारे साथ, तो हम उसको खुशामदीद कहते हैं। वो एक दूसरी एक फेज होगा जो वो रिकंस्ट्रक्शन होगा, वो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा जो पहले 20 साल में था। तो ये बात है। और दूसरा, आपने जो कहा कि उधर लोगों का अफरा तफरी थी, इसलिए तो हम कह रहे थे लोगों को कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो वो ना आ जाए एयरपोर्ट को, ताकि वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी ना हो, और वो कर सकते हैं बाद में एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद प्रॉपर तरीके से चला जाए। सुहेल शाहीन, वहां पर जो इंटरमिटेंट फायरिंग हो रही है, कहा जा रहा है तालिबान के लोग भी फायरिंग कर रहे हैं एयरपोर्ट में, वो फायरिंग क्यों की जा रही है? नहीं, कभी कभार ऐसा होते है कि हवा में वो फायरिंग करते हैं ताकि लोगों को डिस्पर्स करे उसके लिए, क्योंकि उधर बहुत से आवृत्ति भी है, वो भी है, तो हमारी जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उधर वो तो किसी को टच नहीं करते, इसलिए फायरिंग करते हैं ताकि वो चला जाए, उधर हुजूम ना आ जाए, और फिर ये ना हो ताकि उसके बीच में फिर एक आईसिस या दूसरे जो स्पाइलर से वो दाखिल हो जाए और फिर एक दूसरा ऐसा अलमनाक वाकया न हो जाए। दूसरे, ये एक इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है दुनिया को, क्योंकि ISIS के जिसने इतना बड़ा ब्लास्ट अंजाम दिया, इतने सारे बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा, वो पनपा पला बढ़ा हुआ पाकिस्तान का बड़ा किया हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा, आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली पाकिस्तान का रोल क्या है, वो किसकी तरफ है, किसके साथ है? एक तो मैं आपको बताऊं कि आप ये जो नैरेटिव बनाया है पाकिस्तान पाकिस्तान अब सपोर्ट कर रहा है, इसको छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, इसका कोई हकीकत भी नहीं, नतीजा भी नहीं है। दूसरा ये है कि हमने उधर ये जो काबल इदारे ने एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अशरफ गनी जो सरबरा था काबल इदारे के, जो उन्होंने क्यों अबैंडन किया, प्रिजन को अबैंडन किया, सब ऑफिसेस को अबैंडन किया, जो मिलिट्री आउटपोस्ट थे उसको अबैंडन किया, उसके नतीजे में जो ISIS के मेंबर थे वो जेल में थे, वो सब रिहा हो चुके। हम चाहते थे उसको बातचीत के लिए मंतजर थे, उससे रابطہ कि वो पीसफुल ट्रांसफर करे, ताकि ये सब चीज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के चार्ज में आ जाए, और कोई भी
ऐसा लॉ और ऑर्डर का सिचुएशन म्यान में ना आ जाए, वजूद में ना आ जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा छोड़ दिया सबको, तो इसके नतीजे में ये प्रिजनर भी रिहा हो गए और ब्लंडरिंग भी वाक़े हुए और बहुत सी मुश्किलात सामने आए। फिर हमारी फोर्सेस आए बीच में, इंटर हुए दाखिल काबुल सिटी में और ये सिचुएशन को दोबारा कंट्रोल किया। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी उन पर है, उन पर जो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल थे उसके सरबराह था उन पर है। आईएसआईएस के को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा है ये वर्ल्ड ओवर, कई जगहों पर ये थ्रेट हो सकती है इंक्लूडिंग इंडिया, कश्मीर में उसके लोग और हिंदुस्तान में कई दूसरे कोनों से उसके लोग पकड़े गए हैं। आईएसआईएस के को लेकर आपका नज़रिया क्या है और आपका रुख क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में? हमारी पॉलिसी वाज़े है, सबको हमने बताया है, हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन हो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये क्लियर पॉलिसी है, हमने वाज़े तौर पर कहा भी है और कई टीवी स्टेशन और मीडिया आउटलेट्स के जरिए कहा है और अभी फिर भी कह रहा हूँ। आपसे जब मेरी पहली बार बात हुई थी तब भी आपने इस बात को कहा था, आज आप रिटरेट कर रहे हैं, अगर आप इसको और स्पष्ट कर दें, क्योंकि कुछ आवाज़ें उठी पड़ोस के मुल्क में जहां ये कहा गया कि तालिबान अब कश्मीर को पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर देगा, अगर आप इसको फिर से स्पष्ट कर दें तो अगर कोई एम्बिग्विटी है कहीं किसी के दिमाग में तो क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि हम अफगानिस्तान में ये पॉलिसी है, कमिटमेंट है, किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करें, नंबर एक। नंबर दो ये है कि आज़ादी के बाद हम फोकस करेंगे कि अफगानिस्तान की तामीर नाव पर और अफगानिस्तान के लोगों के लिए इक्तसादी और मैशत को बेहतर बनाने पर और अफगानिस्तान में पीस बिल्डिंग पर के पीस को बिल्ड करें और ये पर कि हम अफगान अवाम आपस में नेशनल यूनिटी को जिसको बिल्ड भी करें और सस्टेन भी करें, तो ये हमारे प्रायोरिटीज है अफगानिस्तान में। इंडिया में एक कंसर्न और है सुहेल शाहीन, इंडिया में मसूद अजहर मोस्ट वांटेड है, मुंबई का ड्रेडेड अटैक हो, पार्लियामेंट का अटैक हो, आप जानते हैं पूरी पूरा ट्रेल जानते हैं आप, वहाँ मुल्ला बरादर से मसूद अजहर की मुलाकात की खबरें भी हैं हिंदुस्तान में, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने नहीं सुना है कि जो ये खबरें जो आपके वो पहुंच गए हैं, मैंने बिल्कुल ये सब नहीं सुना है जो आप कह रहे हैं। उससे रिलेटेड तस्वीरें भी आई हैं सुहेल शाहीन, जिसमें ये दिख रहा है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। वो तस्वीरें वो वीडियो तो ये बहुत पुराना है, बड़ा तारीख है, वो बनाने के लिए फेक वीडियोस बनाने के लिए हमारे खिलाफ फोटोशॉप करने के, वो तो बहुत बड़ा हिस्ट्री है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर अर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपने अभी तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन के इंटरव्यू का एक हिस्सा सुना है, बाकी का इंटरव्यू आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक बार फिर आपको सुहेल शाहीन के सबसे विस्फोटक इंटरव्यू की अहम बातें बता देते हैं। क्या सबसे बड़ी और अहम बात उन्होंने कही है? तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने जो बड़ा बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हर दिन गुजरने के साथ काबुल के हालात बेहतर होंगे। जहां हमला हुआ वहां की सुरक्षा यूएस आर्मी के पास थी, इसलिए तालिबान का उससे कोई लेना देना नहीं। काबुल धमाके में कई अफगानियों की मौत हुई, काबुल में मौजूद हिंदुस्तानी रहेंगे सही सलामत, ये बड़ी बात कही उन्होंने। कभी भी आ सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ मौजूद लोग, यानी अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप कभी भी अफगानिस्तान से बाहर जा सकते हैं, ये 31 अगस्त तक की होड़ बंद की जाए, ये कहना है तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का। अमेरिका को लेकर सुहेल शाहीन ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि 31 अगस्त तक वापस जाने का वादा निभाए यूएसए, हम अमेरिका के साथ बेहतर संबंध के लिए हमेशा तैयार हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये भी कहा तालिबानियों ने। बेहतर अफगानिस्तान बनाने पर हमारा अब फोकस होगा,
अफगानिस्तान में की जाएगी शांति बहाली। ये बड़ी बातें सुहेल शाहीन ने टीवी 9 भारतवर्ष के इस इंटरव्यू में कही हैं, जिसमें पूरी रूपरेखा तालिबान की सरकार की क्या होने वाली है, उनकी नीति क्या होगी, अमेरिका के प्रति, भारत के प्रति, कश्मीर को लेकर सब साफ किया है सुहेल शाहीन। तो आइए अगला हिस्सा सुनते हैं इस अहम इंटरव्यू का। कश्मीर को लेकर आप अपनी पॉलिसी क्या है वो स्पष्ट करेंगे सुहेल शाहीन? मैंने आपको बताया कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किस के खिलाफ इस्तेमाल करे, लेकिन जनरल पॉलिसी हमारी ये है, जिधर भी हो, कश्मीर भी हो, इनसाइड इंडिया भी हो, दूसरा जगह भी हो, दूसरे इस्लामी ममालिक भी हो जो है, या अफगानिस्तान में भी हो, हमारी माइनॉरिटीज है, वो सब हक रखते हैं जैसे दूसरे सिटीजन है, वो उसके बराबर हक रखते हैं। और तो ये इस पर हम मोरली ये कहते आ रहे हैं, लेकिन ये कि हम मिलिटरीली किसी दूसरी जगह ऑपरेशन करें, ये हमारी पॉलिसी नहीं। हाँ, क्योंकि आपने चाइना के संदर्भ में कहा था, चाइना के रिलेशन में, कि उइगर मुसलमानों का मसला उनका अपना मसला है, उनका इंटरनल मैटर है। नहीं, हमने उधर भी ऐसा कहा था कि ये वो उनकी सिटीजन है, सिटीजन से वो उसका जैसे दूसरी उसके सिटीजन है ऐसा उनका भी हक है, जो भी सिटीजनशिप का हक है और कानून में सबको एक्सेस होना चाहिए, तो ये हमारी पॉलिसी है। दुनिया में एक फिक्र कुछ जगहों पर यह भी है कि अमेरिका अपने पीछे एक बड़ा आर्सेनल जो छोड़ गया है, वेपन्स का, एम्यूनेशंस का, ड्रोन है उसमें और कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, क्या वो आपके साथ सुरक्षित समझे जाएं और उनका उपयोग कहीं गलत नहीं होने पाएगा, या आप इंश्योर करेंगे? नहीं, हमारी पॉलिसी है अगर हमारे कम हो असलहा और ज्यादा हो, पॉलिसी मैंने आपको वाजह किया ऐसा, तो आपके पास भी बहुत ज्यादा असलहा है, जो आपके पास असलहा है वो हमारे पास नहीं है, बहुत ज्यादा है, और हर साल बिलियंस के डॉलर खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो असलहे खरीदने पर, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप खामखा वो इस्तेमाल करें, वो तो अपनी हिफाजत के लिए होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, ये तो हमारी फॉरेन एजेंडा ही नहीं है, तो ये गलत, ये भी एक प्रोपागंडा है, तो और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, सस्पेशन क्रिएट करने के लिए, कुछ हरकत नहीं इसमें। आप लोग लगातार लोगों को ये अश्योर कर रहे हैं कि वो महफूज हैं, आपने आम माफी का भी ऐलान कर दिया, आपने कहा कि सब लोगों को के जान और माल की हिफाजत की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद लोग क्यों छोड़ रहे हैं अफगानिस्तान? इतनी बड़ी तादाद में अफगानी क्यों छोड़ना चाहते हैं अफगानिस्तान? जी, अगर यूएस अभी भी इंडिया में एक ऐलान करे कि सब लोग जो जाना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेटल करने के लिए, वो दिल्ली एयरपोर्ट चला जाए नेक्स्ट 2-3 आवर्स में, आप देखेंगे कि लाखों लोग उधर एयरपोर्ट में जमा होंगे, तो इसका मतलब ये है कि सब स्केयर्ड है, टेरिफाइड है आपके गवर्नमेंट से, आपसे नहीं। सुनील, आप देखिए, आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन एक चीज समझना चाहता हूँ, जहाँ एक्सप्लोजन हुआ उसी जगह पर, एन उसी जगह पर अगले दिन उससे भी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग जमा थे कि किसी तरीके से निकल जाए, इसको आप कैसे देखते हैं सिनेरियो? पहले ये है कि उतना लोग उधर नहीं है, जो आपने कहा वो सही नहीं है, दूसरा ये है कि मैंने कहा कि उन्होंने ऐसा अनाउंस किया था, इसमें ऐसा लोग थे जो उन्होंने अपने यानी फॉरिनर के साथ काम भी नहीं किया था, बहुत से ऐसे लोग थे, आम लोग थे, उधर गए थे, उन्होंने कहा ये फुर्सत है कि हम चला जाए, वो रिसेटल हो जाए गरीबी ममालिक में।
बच्चों और महिलाओं के लिए आपने बार बार बातें कही हैं, एक बार फिर से आप दोहराएंगे कि आपने आखिरकार उनको लेकर क्या तय किया है, ताकि जो लोग सुन रहे हों उनके दिमाग में ये बात पैबस्त हो और बैठ जाए, आपने क्या सोचा है उनको लेकर, आगे आप कैसे उनके साथ ट्रीट करने वाले हैं? यू मीन वुमेन? राइट, यस। ये ख्वातीन के लिए तो हम कमिटेड है, उसकी एजुकेशन का जो हक है, उसी काम करने का हक है, उनके लिए बिल्कुल हम कमिटेड है, वो कर सकते हैं। उन्होंने बल्कि उन्होंने एक्चुअली ये शुरू भी किया अपने काम का, जॉब को उन्होंने जो ज्वाइन किया, रिज्यूम किया है, और जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है वो स्कूल जा रहे हैं सारे अफगानिस्तान में, काबुल सिटी में भी, और जो जो प्राविंसेस है अफगानिस्तान के दूसरे सूबे हैं उसमें भी उन्होंने जाना शुरू कर दिया है स्कूल को। तो ये प्रैक्टिकली हम दिखा रहे हैं सब को, और ये हमारी पॉलिसी भी है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ ये है कि वो इस्लामी हिजाब रियायत करे, और मुश्किल नहीं। ये ओथ टेकिंग में देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है? देरी की वजह ये है कि हम चाहते थे कि सबके साथ जो अफगान पॉलिटिशियन है उस सबके साथ मशवरा करे, उसके जो नज़र है उसकी मशवरा जो है अपने साथ ले ले, ताकि वो कोई भी ऐसा एहसास ना करे कि मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ। तो देरी की वजह ये है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये फाइनल स्टेजेस में है, तो ये बिल्कुल ऐलान हो जाएगा इंशाल्लाह कहीं अगले दिनों में। हिंदुस्तान में सुहेल शाहीन जो लोग आपको सुन रहे हैं वो अश्योरेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं सुहेल शाहीन तालिबान ये स्पष्ट करे कि क्या पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करने देगा वो अपने रिसोर्सेस को हिंदुस्तान के खिलाफ, और अगर कभी पाकिस्तान ऐसी कोशिश करेगा तो वो उसको रोकेगा क्या? ये तो मैंने आपको कहा कि आप ये इंडिया पर डिपेंड करता है कि वो अफगानिस्तान के आवाम के खिलाफ ये खसमाना पॉलिसी को जारी रखते हैं, या चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो एक आवाम का एक हुकूमत वजूद में आ गया है उसकी एटलीस्ट इम्पार्शियल रहते हैं, या उसकी जो जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट से उसको चाहते हैं जारी रखते हैं, तो उसको उस पर डिपेंड करता है। हमारी पॉलिसी तो मैंने वाजे तौर पर कहा कि एक ये है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के तामीर नाव पर तवज्जो मरकूज करें। तीसरा ये है कि हम मुसबत ताल्लुकात चाहते हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान को एक ग्राउंड हो राइवलरी का। तो इसमें हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। सुहेल शाहीन, लेकिन इस तरह के जो एक्टर्स हैं मसलन आईएसआईएस के, ये आपकी सरजमीन में ही रहकर और आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, इनको आप कैसे रोकेंगे, इनकी ताकत क्या आंकते हैं आप, और इनको कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा आपको? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये हम इनिशियल डेज है, जब ये खारिजी कब्जा खत्म हो जाए आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फॉरेन फिनोमेना है, ये लोग अफगान नहीं है, अक्सरत बाहर से है, तो वो अफगानिस्तान में वो रूट नहीं पकड़ सकते इंशाल्लाह। अमेरिका अगर फिर से प्लान करता है नंगरहार में बॉम्ब ड्रॉप करने से रिलेटेड कुछ अगर आता है उनके वहाँ, तो ये आपकी तरफ से इस बात की इजाजत होगी? नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है। जो अफगानिस्तान के
मसाइल हो, मुश्किल हो, हम इसके काबिल है कि उसको हल करें, उसको जो भी एलिमेंट्स हो हम खुद उसके मुकाबला कर सकते हैं। तो अभी आपने तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा सुना। इंटरव्यू का तीसरा और आखिरी हिस्सा आपको सुनाएं, उससे पहले इंटरव्यू की बड़ी बातें भी देख लीजिए। बड़ी बात जो उन्होंने कही इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने, वो ये कि कश्मीर को लेकर तालिबान के प्रवक्ता ने जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर तालिबान की नीति साफ है, कश्मीर पर कभी नहीं देंगे पाकिस्तान का साथ। उइगर का मसला भी चीन का अंदरूनी मामला है, उइगर को भी उनका अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए तालिबान कुछ नहीं कहना चाहता, वो चीन का अंदरूनी मामला है। मुल्क की हिफाजत के लिए हथियारों का इस्तेमाल जरूर करेंगे, ये भी साफ कर दिया है तालिबान ने। महिलाओं को लेकर जब सुहेल शाहीन से सवाल पूछा गया तो उस पर उन्होंने बयान दिया, महिलाओं को शिक्षा, काम करने का पूरा हक मिलेगा, महिलाएं दफ्तर और बच्चियां स्कूल जाने लगी हैं। महिलाओं को लेकर जो वादा किया वो निभाया है तालिबान ने, ये दावा भी किया सुहेल शाही ने। महिलाओं के लिए इस्लामी हिजाब पहनना जरूरी होगा, लेकिन वो काम पर जा सकती हैं, शिक्षा हासिल कर सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, ये साफ किया तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने TV9 भारतवर्ष के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। तो अपनी नीति हर मुद्दे पर तालिबान ने साफ की TV9 भारतवर्ष से जब उन्होंने बात की उस इंटरव्यू के दौरान। ISIS के पर तालिबान ने बड़ा बयान दिया है, ISIS के पर तालिबान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार बनाने को लेकर सुहेल शाहीन ने बताया कि सबसे मशवरा करके बनाना चाहते हैं, इस वजह से बातचीत का दौर जारी है, सरकार फाइनल स्टेज में है, सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है, भारत के साथ बेहतर रिश्ता चाहता है तालिबान, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। यानी भारत के साथ तालिबान चाहता है कि उसके बेहतर रिश्ते हो, सरकार बनाने को लेकर फाइनल स्टेज में है पूरी प्रक्रिया, बातचीत का दौर चल रहा है, ये सब TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने। ISIS के पर तालिबान ने बड़ा बयान दिया है, ISIS के को कंट्रोल करने में नहीं लगेगा ज्यादा वक्त, ये भी दावा किया है। ISIS के लोग अफगान नहीं हैं, बाहरी हैं, और नंगरहार में अमेरिका को और बम गिराने की इजाजत भी नहीं देगा तालिबान, अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है, उसके मामले को वो खुद सुलझाएंगे, ये भी दावा किया तालिबान ने। अभी तक आपने दो हिस्से सुने इस अहम इंटरव्यू के, आइए अब आपको सुहेल शाहीन के साथ जो तालिबान के प्रवक्ता हैं उनके साथ इंटरव्यू का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा सुनवाते हैं। कई जगहों पर एक थ्योरी चाइना को लेकर यह चल रही है कि चाइना की आपके रिसोर्सेस पर, मिनरल्स पर, ओर्स पर निगाहें हैं, लिथियम पर निगाहें हैं, और वहाँ वो अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए आपके साथ ताल्लुकात ठीक रखना चाहता है और इसीलिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसने कई मुल्कों को अपने डेट ट्रैप में फंसाया भी है, ये बात, ये हकीकत आपसे भी छिपी हुई नहीं होगी। ऐसे में चाइना के साथ रिलेशन रखते हुए आप क्या सावधानियां बरतना चाहेंगे? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, जो भी कि वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो रिलेशन को खराब कर दे हमारे और हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ। अगर एक मुल्क आता है जो हम इसको जरूरत भी है, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है हमारे नेचुरल रिसोर्स में, जो मुल्क भी हो, तो वो तो अफगानिस्तान के मुफाद में है, इधर वो जॉब क्रिएट करेंगे, हमारी साथ बेहतर होगा। तो अफगानिस्तान में तो कम रिसोर्सेस नहीं है नेचुरल, बहुत ज़्यादा है। चाइना क्या कि वो दूसरे ममालिक भी आ जाए फिर भी पूरा नहीं कर सकते, फिर भी बहुत स्कोप है, ज़रूरत है ज़्यादा। तो ये चीज़ के सारे ममालिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में भी कर रहे हैं, खुद चाइना में बहुत से वो वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने उधर इंडस्ट्रीज बनाए हैं, अमेरिका ने उधर इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा है चाइना भी दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट किया हो, ये तो एक इंटरनेशनल नॉर्म है, उसमें कोई खतरा नहीं। नॉर्दर्न अलायंस और उसके रेजिस्टेंस को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में उसको सबक और इबरत पकड़ना चाहिए 47 के जंग से, कुछ उसके रेजिस्टेंस से नहीं होगा, वो बेहतर है कि रिकॉन्सिलिएशन का और मुसालिहे का रास्ता इख्तियार कर ले, और ये
दूसरी सर्कल्स को स्पाइलर्स को इंटरवेंशन का जमीना फराहम न करे, वरना मेरे ख्याल में उसकी इसके मुफाद में भी नहीं है, अफगानिस्तान के अवाम के मुफाद में भी नहीं है और वतन हमारे वतन के मुफाद में भी नहीं है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कि वो एक छोटा जगह हमें अफगानिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन जाए, वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अवाम भी ये फुर्सत भी नहीं है और अफगानिस्तान के अवाम भी ये लड़ाई से खस्ता हो चुके थे, उसके लिए कोई फुर्सत नहीं है। रिकंसिलिएशन के लिए या उनको ट्रस्ट के मामले में ऑन बोर्ड लेने के लिए आपकी तरफ से कोशिशें हुई हैं? जी बिल्कुल। और उसका जवाब पॉजिटिव नहीं मिला आपको? अभी तक अंडर प्रोसेस है। अब एक सवाल यह भी कि जो लोग आपके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स में या आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं आ रहे हैं और अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लेकर आपका रुख और रवैया क्या होगा? हमारी पॉलिसी मसालेहत है, रिकंसिलिएशन है सारे के लिए। अगर वो आते हैं तो उसके लिए भी बेहतर है, आवाम के लिए, अफगानिस्तान के लिए भी। अगर नहीं आते मेरे ख्याल में उसकी मुफाद में भी नहीं होगा, तो लेकिन हमारी पॉलिसी फाबरजा है। तो मतलब वो लोग जो आपके साथ मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है वो लोग। आखिरी सवाल आपसे सुहेल शाहीन, आपने वक्त निकाला और लंबी बात की आपने, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं आपसे, 31st की डेडलाइन के बाद भी जो विदेशी लोग आपके यहां रह जाएंगे उनको लेकर आपका रवैया क्या रहेगा अगर रह जाते हैं तो? अगर वो रह जाते हैं, हमने कहा है उसके पास पहले है वो, अगर रह जाते हैं उसके लिए प्रॉपर्टी उलाज के लिए कोई वो रिस्क नहीं है। दूसरा ये है अगर उसके पास पासपोर्ट और वीजा हो वो जा सकते हैं कमर्शियल फ्लाइट से, कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह। सुहेल आखिरी, इसके बाद प्रॉमिस करता हूँ आगे सवाल नहीं है, एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपके साथ नहीं हैं, फिर सवाल आखिरी, जो लोग आपके साथ नहीं हैं वो आपके खिलाफ हैं या जो आपके साथ नहीं हैं वो उनको आप ऑपोजिशन, जैसे दूसरी जगहों पर ऑपोजिशन भी होता है उसको आप ऑपोजिशन की तरह ट्रीट करेंगे? जो तालिबान के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं और तालिबान के साथ नहीं है, वो तालिबान के खिलाफ आप उनको परसीव करेंगे या आप ये मानेंगे कि ऑपोजिशन है? ये तो अभी अफगानिस्तान के काबुल सिटी में बहुत ज्यादा है। देखो हामिद करजाई जो पहला वो फॉर्मर प्रेसिडेंट था वो भी है, वो सेनेट का जो चेयरमैन है मुस्लिम यार वो भी है, दूसरा भी है अब्दुल्ला वो प्रेसिडेंट रिकॉन्सिलेशन काउंसिल का था वो भी है, दूसरी बहुत ज्यादा है, पार्लियामेंट मेंबर्स है, मिनिस्टर्स है, ये सारे अफगानिस्तान में है। वो हमारी इस्लामी इमारत के मेंबर तो नहीं है लेकिन वो जिंदगी गुजारा है, हमने उसको अशोर भी किया है, तो यही पॉलिसी है मेरे ख्याल में। अगर और भी होंगे तो उसमें मुश्किल नहीं, उसके लाइफ हो और उसकी प्रॉपर्टी इंश्योर हो और वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान में। सुहेल शाहीन बेहद शुक्रिया आपका, वक्त निकाला आपने और आपने तफसील से हमसे बातचीत की और कई मुद्दों पर आपने एलैबोरेटेड तरीके से बताया कि आप क्या सोच रखते हैं, बहुत शुक्रिया। तो आपने तालिबान का पूरा इंटरव्यू सुना, भारत चीन अमेरिका और सरकार बनाने पर तालिबान ने क्या कुछ कहा, एक बार पूरे इंटरव्यू की बड़ी बातें भी देख लीजिए। चीन को लेकर सबसे पहले तालिबान के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया, चीन के साथ तालिबान के संबंध बेहतर हुए, ये कहा है सुहेल शाहीन ने। इसके अलावा तालिबान को कभी धोखा नहीं देगा चीन, ये भरोसा भी जाहिर किया है। अफगानिस्तान के हक में चीन से दोस्ती है और इस वजह से इस दोस्ती को आगे बढ़ाएगा तालिबान। नॉर्दर्न अलायंस को रार खत्म करना चाहिए, झगड़ा खत्म करना चाहिए, ये कहा सुहेल शाहीन ने। इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस के साथ बातचीत भी जारी है, इसका दावा भी किया टीवी 9 भारतवर्ष के साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, यानी तालिबान नॉर्दर्न अलायंस के साथ बातचीत कर रहा है। नॉर्दर्न अलायंस के साथ बातचीत जारी है ये दावा किया सुहेल शाहीन ने, अगर वो साथ नहीं आते हैं तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, अच्छा यही होगा कि साथ में आए। विदेशी नागरिकों को घर लौटने पर बोले सुहेल शाहीन कि 31 अगस्त के बाद भी घर जा सकते हैं विदेशी।
जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी दावा किया सुहेल शाहीन ने। यानी 31 अगस्त के बाद भी अपने घर जाने के लिए अगर आपके पास पासपोर्ट और वीजा है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने सुहेल शाहीन के साथ ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय साफ की है। आइए अब तालिबान से जुड़ी 80 बड़ी खबरें देखते हैं। अमेरिका में अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों और मददगारों को निकालने के लिए मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस को लॉन्च कर दिया है। ये अमेरिका का एक सीक्रेट मिशन है जिसमें रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों की मदद ली जा रही है। अमेरिका ने मिशन के लिए नेवी सील टीम के रिटायर्ड कमांडो और ग्रीन बैरेट फोर्स के रिटायर्ड जवानों को काबुल भेजा है। रेगुलर फोर्स नहीं होने की वजह से ये लोग एयरपोर्ट के बाहर जाकर भी रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका के रिटायर्ड फौजियों की टीम ने अफगान सेना के एक कमांडो को रेस्क्यू किया है। तालिबान आर्मी अमेरिकी फोर्स के साथ काम कर चुके अफगानी कमांडो को जान से मारने की धमकी दे रहा था। कमांडो के परिवार को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। अमेरिका के मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस के तहत अब तक रिटायर्ड सैनिकों ने 630 अफगानियों को काबुल एयरपोर्ट पहुंचाया है। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में काम किया है और अब तालिबान के टारगेट पर हैं। इस मिशन को पाइनएप्पल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन लोगों को बचाया गया उनके फोन के पीछे पाइनएप्पल की तस्वीर लगाई गई। पाइनएप्पल की इस मिशन का कोड है। पाइनएप्पल की तस्वीर देखकर ही अमेरिकी सैनिक बचाए गए अफगानियों को एयरपोर्ट में एंट्री दे रहे हैं। अमेरिका ने काबुल हमले के 36 घंटे के अंदर आईएसआईएस के से अपना बदला ले लिया है। अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के जवाब में नंगरहार प्रांत में आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले किए। दावा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को भी ढेर कर दिया है। अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटाने के लिए कहा। अमेरिका को शक है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। नांगरहार को आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। हमले में किसी आम नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। पेंटागन के मुताबिक हमला करने के लिए ड्रोन ने अफगानिस्तान के बाहर से उड़ान भरी थी। अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकाने पर हमले के लिए रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसे अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ड्रोन में लेजर गाइडेड जमीन पर मार करने वाले 8 हेल फायर मिसाइल लगी होती हैं। ये मिसाइल सटीक वार करती हैं। करीब 20 साल से अमेरिका इस अचूक हथियार का इस्तेमाल करता रहा है। ये अब और घातक हो गया है। ड्रोन ने 50,000 फीट की ऊंचाई से भरी बमों से आईएसआई के ठिकानों को तबाह कर दिया। तालिबान ने काबुल में मौजूद लोगों को सरकारी गाड़ियां, सरकारी हथियार और दूसरी सरकारी चीजों को एक हफ्ते के भीतर जमा करवाने का अल्टीमेटम दिया है। तालिबान ने कहा है कि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। तालिबान अब अफगानिस्तान के लोगों को देश से बाहर जाने से रोक रहा है। एयरपोर्ट जाने के सभी रास्तों पर तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं। अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने कहा है कि तालिबान के मुद्दे पर पाकिस्तान को अपनी गलती का जल्द ही एहसास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तालिबान ने जो गलती की है अब उन्हें उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्रांस ने अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान शुक्रवार को पूरा कर लिया। अब फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया है। काबुल में ब्लास्ट को लेकर अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है। इसमें सबसे अहम सवाल है तालिबान की चौकियों के बीच से हमलावर कैसे पहुंचे और चेतावनी के बावजूद अमेरिकी सैनिक लापरवाह क्यों थे। शक है कि हमले का प्लान बहुत पहले तैयार हुआ था। तालिबान ने आईएसआईएस के आतंकियों को पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। घर घर जाकर पूछताछ हो रही है। संदेह के आधार पर तालिबानियों ने कई लोगों को पकड़ा है। सभी लोग पूरी जांच पड़ताल के बाद ही छोड़े जाएंगे। जलालाबाद में तालिबान ने आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तालिबान को लग रहा है कि आईएसआईएस तालिबान से सत्ता छीन सकता है। तालिबान आईएसआईएस खुरासान की ताकत को खत्म करने में जुट गया है। प्रतिबंधित आतंकी समूह पर खुफिया जानकारी साझा करते हुए अमेरिका ने कहा कि तालिबान हक्कानी नेटवर्क दो अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन तालिबान और हक्कानी नेटवर्क एक दूसरे से मजबूत संबंध रखते हैं। अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन अब माना जा रहा है कि आईएसआईएस भी काबुल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक कर सकता है क्योंकि अफगान सेना को अमेरिका ने कई ड्रोन दिए थे। वही ड्रोन अब आतंकियों के पास पहुंच चुके हैं।
जानकारी के मुताबिक आईएसआईएस के और अलकायदा ने ड्रोन की बड़ी खेप हासिल कर ली है। ये संगठन अपने आतंकियों को ड्रोन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ ही पिन पॉइंट अटैक में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए इसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं। काबुल में ब्लास्ट के बाद और 31 अगस्त की डेडलाइन से ठीक पहले तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बात की है। भारत समेत तालिबानी प्रवक्ता ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जिसे भारत समेत पूरी दुनिया जानना चाहती है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि काबुल में विस्फोट उन इलाकों में हुआ जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी विदेशी सेनाओं के हाथ में है। उन्होंने कहा कि काबुल में अब हालात बेहतर हो रहे हैं। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भरोसा दिया है कि काबुल में फंसे भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं, तालिबान उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेगा और किसी भी तरह की मुश्किलों से उनका सामना नहीं होगा। सुहेल शाहीन ने कहा कि कश्मीर पर तालिबान की नीति बिल्कुल साफ है, तालिबान कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा और किसी भी आतंकी संगठन को अपने देश की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। तालिबानी प्रवक्ता ने मुल्ला उमर और मसूद अजहर की मुलाकात वाली तस्वीर पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुल्ला उमर से मसूद अजहर की मुलाकात की जानकारी नहीं है, मसूद की अफगानिस्तान में जो तस्वीर दिख रही है वो पुरानी है। भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते को लेकर भी तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रिश्ता उसके रुख पर निर्भर करता है, तालिबान अच्छे ताल्लुकात चाहता है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी हथियारों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तालिबान शांति चाहता है और सिर्फ अफगानिस्तान की सुरक्षा और आतंकियों से लड़ने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में सुहेल शाहीन ने यह भी कहा कि महिलाओं को शिक्षा के लिए छूट देने के वादे पर तालिबान कायम है। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में महिलाएं दफ्तर जाने लगी हैं, सभी प्रांतों में स्कूल खोल दिए गए। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि विदेशी सैनिकों के जाते ही ISIS खुरासान को भी खत्म कर दिया जाएगा, ISIS की जड़ें अफगानिस्तान में नहीं जमने दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ISIS के लोग अफगानी नहीं हैं, बाहरी हैं। सुहेल शाहीन के मुताबिक अफगानिस्तान में सरकार बनाने की रणनीति का जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति फाइनल स्टेज पर है, सभी नेताओं से बातचीत की जा रही है और उनसे सलाह ली जा रही है, सभी से बातचीत के बाद ही सरकार बनेगी। सुहेल शाहीन ने कहा कि अमेरिका को 31 अगस्त तक वापस जाने का वादा निभाना चाहिए, तालिबान अमेरिका से भी बेहतर संबंध रखने के लिए तैयार है, तालिबानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बेहतर अफगानिस्तान बनाने पर ही तालिबान का फोकस है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि चीन के साथ तालिबान के संबंध बेहतर होंगे, चीन तालिबान को कभी धोखा नहीं देगा, अफगानिस्तान के हक में चीन से दोस्ती की गई है, चीन के किसी आंतरिक मामले जैसे उइगर मुसलमानों को लेकर तालिबान कोई दखल नहीं देगा। पंजशीर में संघर्ष पर तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ बातचीत जारी है, अगर वो साथ नहीं आते हैं तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, 31 अगस्त के बाद भी विदेशी नागरिक घर जा सकते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तालिबान के प्रवक्ता ने काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी को लेकर सफाई दी, कहा कि फायरिंग का मकसद भीड़ को कंट्रोल करना है, एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, वेस्टर्न कंट्री ले जाने की घोषणा के बाद लोगों की भीड़ बढ़ गई है। 31 अगस्त से पहले ही तालिबान के आतंकी काबुल एयरपोर्ट में घुस चुके हैं, तालिबान की 313 बदरी स्पेशल फोर्स यूनिट ने काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री सेक्शन में एंट्री ले ली है। ये वो इलाके हैं जहां सिर्फ अमेरिकी और नाटो सेना के 31 अगस्त तक रहना है। तालिबान के प्रवक्ता के मुताबिक काबुल ब्लास्ट के बाद सुरक्षा पुख्ता करने के लिए एयरपोर्ट में तालिबानियों को भेजा गया है, तालिबानी फोर्स की तैनाती के बाद अमेरिकी फोर्स के पास एयरपोर्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा ही बचा है, हालांकि अमेरिका ने इससे इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने तालिबान के संस्थापक सदस्य मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरे नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद भारत की एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। तालिबान ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाले सभी महिला कर्मचारियों को सूचित किया है कि वे अपने काम पर वापस लौट सकती हैं। ऐलान किया गया है कि इस्लामिक शासन को महिलाओं की नौकरी से कोई एतराज नहीं। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानियों के साथ कई घातक हथियार लगे हैं, इनमें 100 से अधिक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। ये हथियार आसानी से किसी यात्री हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को गिरा सकते हैं। अमेरिका के मुताबिक अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद करीब 28 बिलियन डॉलर के हथियारों को जब्त किया गया है। ये हथियार अमेरिका ने 2002 से 2017 के बीच अफगान बलों को दिए थे, सभी हथियार अब तालिबान के पास हैं। मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कंधे पर उठाकर फायर किया जा सकता है। 1950 के दशक से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों की सेना इस हथियार का इस्तेमाल कर रही है, तालिबान इससे एयर स्ट्राइक का जवाब दे सकता है।
पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग ISPR के प्रमुख जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में जो निवेश किया वो सब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था। पूर्वी नांगरहार प्रांत के तोरखम में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 6 अफगान नागरिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान के लोग यहां से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ पर पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग कर दी। अफगानिस्तान पूरी तरह से रिफ्यूजी कैंप में तब्दील हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी काबुल एयरपोर्ट जैसा नजारा है। हजारों लोग डर और अराजकता के चलते तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान और पाकिस्तान सहित दूसरे देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से पलायन कर रहे ज्यादातर लोग इलाज जैसी मूलभूत जरूरत के लिए पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद से ही उत्तर अफगानिस्तान के ज्यादातर हेल्थ सेंटर बंद हो गए हैं। डॉक्टर और नर्स अंडरग्राउंड हैं या मुल्क छोड़ चुके हैं। अफगानिस्तान के 90% अस्पताल खाली हैं। अस्पतालों में न डॉक्टर हैं और न नर्स, लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद से ही डॉक्टर और नर्स अस्पतालों से गायब। अफगानिस्तान के अस्पतालों जैसा हाल ही बाजारों का है। बाजार खाली हैं, लोगों के जरूरी इस्तेमाल की चीजें ऊंची कीमतों में बिक रही हैं। कोई इन कीमतों को कंट्रोल नहीं कर रहा, डर के चलते ज्यादातर दुकानें बंद हैं। तालिबान के कब्जे का असर स्कूलों पर भी दिख रहा है। पिछले 14 दिनों में स्कूल नहीं खुले हैं। खासतौर से हेलमंद, लश्करगाह, गिरेशक और नाद अली जिलों में लड़कियों के स्कूल हैं। तालिबान के दबाव में कुछ स्कूल खुले हैं लेकिन उनमें एक भी लड़की नहीं पहुंची। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात की वजह से लोग अल्बानिया में भी शरण ले रहे हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा भी हैं। अल्बानिया पहुंच रहे आम अफगानियों को वहां बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान में वेस्टर्न पीस फोर्स के साथ काम करने वाले सभी अफगानों को शरण देगा। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान से जारी पलायन पर बड़ी बात कही। अपने ताजा बयान में कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां हालात अनिश्चित हैं। आने वाले वक्त में 5 लाख से ज्यादा अफगानी देश छोड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का दावा है कि दूसरे देशों में रह रहे अफगान शरणार्थियों की संख्या बढ़कर 22 लाख हो जाएगी। ज्यादातर पाकिस्तान और ईरान में रहेंगे। पूरे अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा का नागरिकों पर गंभीर असर होगा। अफगानियों के पलायन पर अमेरिकी मीडिया ने भी बड़ा दावा किया है। कहा है कि 14 दिनों में हर दिन करीब 30,000 अफगानी देश छोड़ रहे हैं। ज्यादातर लोग पैदल या फिर सड़क मार्ग से होते हुए सीमावर्ती पाकिस्तान, ईरान और अल्बानिया की ओर जा रहे हैं। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने दुनिया को बड़ी जानकारी दी है। तुर्की ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों और नागरिकों को निकाल लिया है। बोस्निया के सराजेवो में संवाददाताओं से बात करते हुए राष्ट्रपति अर्दोगान ने अमेरिका पर भी तीखा हमला बोला है। अर्दोगान ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के तरीके की जमकर आलोचना की। राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि जो देश कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं, उन्हें उन स्थानों को और एहतियात के साथ छोड़ना चाहिए जहां वो दाखिल हुए थे। ऐसे देश को आतंकवादी संगठनों के हाथों में छोड़कर जाने की कीमत भारी होती है। ऑस्ट्रेलिया ने काबुल में अपना दूतावास अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। दूतावास के सभी स्टाफ वापस बुला लिए गए हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल ने भी अफगानिस्तान में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि काबुल में अब भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक फंसे हुए हैं, वो वापस आना चाहते हैं। दूतावास बंद करने पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी बयान जारी किया है। दूतावास बंद होने की वजह से सुरक्षा को बताया गया है। काबुल में तालिबान के राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल्ला बहीर ने दूतावास बंद करने की निंदा की है। अफगानिस्तान में ब्रिटेन का मिशन जल्द खत्म होगा लेकिन कई लोग अभी काबुल में फंसे हैं जो ब्रिटेन में शरण ले सकते हैं। ऐसे में ब्रिटेन में रह रहे अफगानी चिंतित हैं। उन्हें डर है कि उनके करीबी अफगानिस्तान में ही फंसे रह जाएंगे। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।